गलत फहमी में मत रहना कि जीवन भर जो किया वो किया करते रहेंगे और मरने के समय एक बार ठाकुर जी का नाम ले लेंगे और सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। ना, जीवन भर अगर राम जी का नाम लेने का अभ्यास नहीं करोगे तो मरने के समय, भैया मरने के समय आपको ठाकुर जी का नाम नहीं आएगा। जीवन भर जिसका अभ्यास हुआ है वही वृत्ति मरने के समय में सजग हो जाती है, जीवन के सारे पाप प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। आपने किसका कत्ल किया है, आपने किससे झूठ बोला है, किसकी चोरी की है, किसके साथ ठगी की है, किसका लूटा है, किसको आपने सताया है, तमाम आपके पापों की लिस्ट घूमने लगती है, सब कुछ नजर आएगा। बेचैनी, गरुड़ पुराण पढ़ना, मरने के समय के आदमी की स्थिति होती है, बहुत कष्ट में प्राणी जीव छोड़ता है, ये प्राण निकलते हैं, बहुत कष्ट, जन्म लेने के समय कष्ट, मृत्यु का कष्ट भी बहुत भीषण है। तो जीवन में मैया तैयारी करनी है कि मृत्यु हमारे लिए महोत्सव हो जाए, ये मरण को महोत्सव बना लो, शोक का कोई विषय न रह जाए। और वो तभी होगा जब भगवान का ठाकुर का भजन करना होगा, तो जवानी में भजन कर लो। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व DGP बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।